स्वागत है एक बार फिर मार्केट लाइव में और कोशिश करते हैं कि अपने एनालिस्ट के पास में मेहमान विजीत पाटिल जी। गुड मॉर्निंग सर, और आपकी भी आवाज हम तक बहुत अच्छे से आ रही है और बहुत सारे सवाल और बहुत सारी कंसर्न लोगों की है और उसमें एक खास कंसर्न पे अभी मैं आता हूँ। उससे पहले आप पहले बाजार को कैसे देख रहे हैं? आज जो छोटा सा एक बाउंस बैक आया है, क्या इससे कुछ उम्मीद जगती है, कुछ सेंस मिलता है, या अभी हम रेंज के अंदर में ही है और इसको कुछ बहुत ज्यादा इससे कुछ बहुत ज्यादा ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा इसके अंदर में सोचने की जरूरत? सर, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की कि निफ्टी जो है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और सेम वैसा ही रेंज जो है वो फॉलो कर रहा था जो हमने लास्ट टाइम बात में बताया था रेंज था। तो अभी निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी यहाँ पे 17,140 पे ट्रेड कर रहा है और 17,200 के लेवल पर निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में कॉल राइटिंग बहुत चल रही थी, तो उसकी वजह से 17,200 से मार्केट गिरते गिरते 50 से 60 पॉइंट यहाँ पे नीचे आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 17,200 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक भी करता है आज के दिन तो फिर से और 70-80 पॉइंट ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर से गिर सकता है। तो ये जो बाउंस बैक था ये एक्चुअली 16,800-900 के लेवल पे एक बाइंग था और 17,200 से 17,250 के लेवल पर एग्जिट जोन था। तो फिलहाल में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट की हम वेट करेंगे तब जाके बोल सकते हैं कि निफ्टी कोई एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है। तो फिलहाल में मार्केट एक रेंज में ही है और 17,200 या 17,250 के लेवल से फिर से उसमें सेलिंग प्रेशर बन सकता है। ठीक है, तो एक रेंज में ही है और अभिजीत जी कह रहे हैं कि इसमें फिर वही उसी रेंज को अगर चाहे तो राइड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो उसमें अगर ऐड करूंगा या एक चीज जो शायद अभिजीत जी भी इसमें शायद अग्री करेंगे कि स्टॉप लॉस का निश्चित रूप से बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ में पालन करिएगा, कट जाता है कट जाने दें, लेकिन कुछ भी किसी भी तरफ कोई भी ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें, किसी भी तरफ में ओवर एंथुजियास्टिक ना हो, रिस्क थोड़ा ज्यादा है अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और इंट्राडे में काम करते हैं तभी करें, नहीं तो थोड़ा सा दूरी बनाए रखें क्योंकि वोलेटाइल होगा और दोनों तरफ काम करेगा, तो ये बाजार दोनों तरफ के मौके तो देगा लेकिन दोनों तरफ से फंसाने का भी उतना ही रिस्क इसमें बनता है। फिर इसका अभिजीत जी, फिर मैं कुछ एक सवाल पे वैसे आऊंगा और आपसे भी पूछूंगा कि अगर आपको स्टॉक्स को देख रहे हैं, लेकिन ये सवाल इसलिए मैं अभी तुरंत ले लेता हूँ क्योंकि ये सवाल सीधा सीधा बाजार से जुड़ा हुआ है और ये है बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे क्या व्यू है सर? जैसे आपने निफ्टी में राय दी और लेवल्स बताए हैं और ये हमारे एक नए दर्शक हैं हमारे साथ में जुड़े हैं और इनका नाम इन्होंने बताया है सक्षम भाई पटेल जी। सक्षम भाई पटेल जी का स्वागत है और सक्षम भाई पटेल जी को अगर कुछ उनकी समस्या का समाधान कर सकता है तो वो अभिजीत पाटिल जी कर सकते हैं। अभिजीत जी, बैंक निफ्टी के लेवल्स और बैंक निफ्टी पे व्यू। सर, बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे तो बैंक निफ्टी तो निफ्टी से ही एक छोटे नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है और 37,800 मतलब 37,800 के लेवल से ही निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट वहां पे कॉल रेटिंग बहुत हो रही थी। तो सुबह से हम देखेंगे बैंक निफ्टी जैसे गैप अप खुला एक आधा एक घंटे के लिए वहां पे सस्टेन हो गया और वहां से फिर से बैंक निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो गया। तो वही है कि बैंक निफ्टी निफ्टी में दोनों में ही फिलहाल में एक सेलिंग प्रेशर है और यहाँ से बैंक निफ्टी में अगर ऊपर जाता है 37,800 से अगर वो ऊपर जाता है तो फिर से 37,900 के लेवल पर उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो फिलहाल में दोनों इंडाइसेस में यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन रहा है और रेंज जो है वो नैरो होते जा रही है। तो ऐसा लगता है कि जब किसी साइड इसमें एक पॉजिटिव ब्रेकआउट आएगा तो उसी टाइम इसमें ट्रेड लेना थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो रेंज और रेंज जो कि और नैरो होती जा रही है ये है राय, लेवल्स आपको बता दिए हैं, तो पटेल साहब आपको जो है जवाब मिल गया होगा आपकी समस्या का। ठीक है, फिर सर कर क्या रहे हैं बाजार में, करें क्या अभिजीत जी अगर बाजार को ट्रैक करना है, ट्रेड करना है, कुछ एक स्टॉक्स हैं या कुछ एक सेक्टर्स हैं जिन पे आप नजर बनाए? हाँ सर, ऐसे दो सेक्टर्स हैं जिनमें हमें एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म के लिए या इंट्राडे के लिए भी हम बोल सकते हैं एक ट्रेड मिल सकता है। दोनों स्टॉक्स इंट्राडे भी है या दो तीन दिन के होल्डिंग के लिए भी है। सबसे मेरा पहला स्टॉक रहेगा यहाँ पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे उसने 30 मिनट टाइम फ्रेम पर एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट दिया है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये ब्रेकआउट है। इसका करंट मार्केट प्राइस चलो है 723 रुपए, तो इस स्टॉक को हमें करंट मार्केट प्राइस 722 रुपए से 723 रुपए पे इसको बाय करना है। 715 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है और 735 रुपए से 750 रुपए तक के टारगेट्स इसमें हमें मिल सकते हैं। ये आज के आज ही ये टारगेट आ सकते हैं या एक दो तीन दिन में भी इसके टारगेट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नजर रखें, लेवल्स आपको बता दिया और टारगेट्स
वोलेटिलिटी पे है क्योंकि बहुत ज्यादा वोलेटाइल है बाजार, तो इसलिए जल्दी भी आ सकते हैं, और अगर वो उतना नहीं हुआ और चीजें नहीं उस डायरेक्शन में चली तो थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। तो टाइमलाइन को थोड़ा सा उस तरीके से समझ के चलें, एक दिन में भी आ सकते हैं और 5 दिन में भी आ सकते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है, उसका कुछ असर हो सकता है। परसों हमारा आखिरी डे होगा इस हफ्ते का, आज हम बिल्कुल मिड वीक में खड़े हैं, और उसके चलते उस तरीके से कॉल को थोड़ा टाइमलाइन को संभाल के रखें और डिसिप्लिन पे भी रखें स्टॉप लॉस। ठीक है सर। सर दूसरा कौन सा बता रहे हैं टाटा कंज्यूमर के अलावा? सर मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल की अगर मैं बात करता हूँ तो अपोलो हॉस्पिटल 2 आवर टाइम फ्रेम में एक रेंज ब्रेकआउट देने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। अपोलो हॉस्पिटल का करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे चालू है 4,715 रुपए। जैसे ही अपोलो हॉस्पिटल 4,720 रुपए का लेवल ब्रेक करता है वहां से इसका पॉजिटिव ब्रेकआउट आएगा, लेकिन 4,720 के लेवल के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट का कैंडलस्टिक क्लोजिंग हमें कंपलसरी है। जैसे ही 4,720 का लेवल ब्रेक करेगा इसमें मेरा पहला टारगेट रहेगा 4,800, मेरा दूसरा टारगेट रहेगा 4,900 और मेरा तीसरा टारगेट रहेगा 5,080 रुपए का। तो करीब करीब 6-7% के टारगेट है आज के आज। पहला टारगेट अगर हम बात करेंगे तो 4,800 का या 4,900 का आज के आज ही टारगेट मिलेगा, और जो हमारा आखिरी टारगेट है 5,000 का ऊपर का, उसके लिए हमें 2-3 दिन का वेट करना है। लेकिन इतना ध्यान में रखना है 4,720 रुपए के ऊपर मिनिमम 15 मिनट का कैंडलस्टिक का क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये लेवल्स को ध्यान रखें। 4,800 4,800 का लेवल बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, जो उसमें लग रहा है, जो मैं भी विजय जी के साथ में पूरी तरह से सहमत हूँ कि अगर उसको तोड़ेगा तो ये और अच्छा, बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है, तो वो और तेजी में इसको और आगे ले जा सकता है। और अच्छी बात ये है कि एक सवाल भी एक दर्शक का था अमोल जी का, और वो सवाल आपने यहाँ अपनी रिकमेंडेशन के साथ में ही आंसर कर दिया। वो अपोलो हॉस्पिटल पे ही व्यू मांग रहे थे और उनको उनका जवाब भी मिल गया, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि दोनों चीजें। तो इसका मतलब दर्शक भी, क्योंकि वो भी पढ़ रहे होते हैं, वो भी बहुत सारी चीजों की रिसर्च कर रहे होते हैं, तो शायद सबको ट्रैक कर रहे हैं उस पर, लेकिन एग्जैक्ट व्यू भी मिल गया और बहुत सारी चीजें हो गई, ये बढ़िया। ठीक है सर, आपके लिस्ट में और कुछ है या सिर्फ दो ही है? सर नहीं, आखिरी एक मेरे पास स्टॉक है HDFC बैंक। अगर मैं HDFC बैंक की बात करूं तो 2 आवर टाइम फ्रेम में यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना है HDFC बैंक का। आज के दिन थोड़ा सा ऊपर गैप अप खुला था, 15,025 के लेवल पे करीब करीब गैप अप खुला था, उसके बाद एक 10-15 रुपए का HDFC बैंक में सेलिंग प्रेशर आया था। तो HDFC बैंक का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है 15,030, तो मतलब यहाँ से 15 रुपए ऊपर का। जैसे 15,030 या 15,035 का ये लेवल ब्रेक करता है HDFC बैंक, तुरंत हमें बाय करना है। वहां से मेरा पहला टारगेट रहेगा 15,040 और 15,080। जी ठीक है, तो ये लेवल्स हैं, 15,040 का पहला टारगेट है और फिर वही वाली चीज जो, सॉरी सर, 1540 और 1580। हाँ 1540, ठीक है सॉरी, 1540 और 1580। तो 1540 का लेवल फिर वैसा ही है कि अगर 1540 को तोड़ेगा तो फिर एक अच्छा मोमेंटम आएगा और उसके आगे, लेकिन रिव्यू करते चलिएगा, तो आप बने रहिएगा साथ में, बार बार कनेक्ट होते रहिएगा। और ये जो दिन और टाइम है ये अभिजीत जी का फिक्स है, तो आपको हर बुधवार को सुबह 10 बजे वो यहाँ पे मिल जाएंगे शो पे। तो अगर आप दोबारा से इसी पे कुछ और राय लेना चाहते हैं या इसके आगे क्या करना है, क्योंकि ये ट्रेंड अभी नहीं पता, बाजार बहुत अनसर्टेन है बहुत सारी चीजों को लेकर के, खबरों को लेकर के, उसके चलते थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू बनाना मुश्किल है या नहीं बनाना चाहिए, तो उसी तरीके से अभिजीत जी जो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन उसको फिर से रिव्यू करते चलेंगे। अगर कुछ चीजों में आगे दोबारा से और आगे हो सकता है कि वो ट्रेंड वापस से आ जाए, तो आगे के लेवल्स या बने रहना हो या उसको किस तरीके से स्टॉप लॉस को ट्रेल करना हो, वो सारी चीजें समझते चलेंगे। ठीक है,